सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम एक बहुत ही रोचक व मज़ेदार विषय लेकर आए हैं। आप जानते हैं क्या? चित्र वर्णन। जी हाँ, आज हम करेंगे चित्र वर्णन। चित्र वर्णन का मतलब है किसी भी चित्र का अपने शब्दों व वाक्यों में वर्णन करना। चित्र वर्णन करना बहुत ही आसान है। बस आपको जो भी चित्र में दिखाई देता जाए उसे अपने वाक्यों में बताते जाइए। पर बच्चों, हर कार्य करने का कुछ नियम होता है, तो चित्र वर्णन के लिए हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, आइए देखते हैं। चित्र वर्णन के लिए हम आपको ध्यान में रखने के लिए कुछ बातें बताएंगे। चित्र को ध्यान से देखें और समझें। चित्र वर्णन छोटे छोटे वाक्यों में करें। शब्द रोचक व सरल हों। चित्र वर्णन में कम से कम शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, मैम आपके लिए कौन सा चित्र लेकर आई हैं? आप सब प्यारे प्यारे बच्चों को जन्मदिन मनाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैम आपके लिए लेकर आई हैं जन्मदिन का चित्र। अब हमने इस चित्र को अपने सुंदर सुंदर वाक्यों में वर्णन करना है। तो पहला वाक्य हमारा आता है, यह कहाँ का चित्र है? तो हम शुरू करेंगे। यह एक जन्मदिन का चित्र है। आपको पता है बच्चों, हम इसमें जो किरदार हैं, जो बच्चे खड़े हैं, उनको अपनी मर्जी से नाम भी दे सकते हैं, है ना मज़ेदार? तो आइए आज हम जिसका जन्मदिन है उसको नाम देते हैं रिया। आप अपनी मर्जी से कुछ और नाम भी दे सकते हैं। आज रिया का जन्मदिन है। रिया बहुत खुश है। मेज़ पर सुंदर सा केक है और तीन तोहफे हैं। रिया के बहुत सारे दोस्त आए हैं। दो बच्चों ने सिर पर टोपी पहनी है। पूरा कमरा गुब्बारों से सजा हुआ है। रिया के माता पिता भी खड़े हैं। अब कुछ ही देर में रिया अपना जन्मदिन का केक काटेगी। तो बच्चों, इस प्रकार से हम अपने ही वाक्यों में दिए गए चित्र का वर्णन आसानी से कर सकते हैं। अब आज का कार्य, आप इस चित्र को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और अपने वाक्यों में मुझे इसका वर्णन भेजेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।